वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेशन को समझा, जहां पे हमने ये समझा कि लोगों के पास में परचेसिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से, इकोनॉमी मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से लोगों का डिमांड का लेवल बढ़ जाता है। और जब इकोनॉमी में डिमांड का लेवल बढ़ जाने की वजह से और इकोनॉमी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रही हो, तो उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशंस में एक्सेस डिमांड को की वजह से, एक्सेस डिमांड की वजह से आप देखते हैं कि कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज होने लग जाता है, और लगातार प्राइस बढ़ते रहने को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और लास्ट क्लास में हमने समझा फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी के बारे में हमने लास्ट क्लास में समझा था कि बेसिकली ये एक तरीके का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम है। गवर्नमेंट बजट में अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोग्राम जो है, एक एस्टिमेशन रेवेन्यू एंड एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर प्रोग्राम लेकर के आती है, इसको हम गवर्नमेंट बजट भी कहते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट बताती है कि जो है अब फाइनेंशियल ईयर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कितना कितना एक्सपेंस करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, एजुकेशन पे कितना परसेंट करेगी, हेल्थ पे कितने परसेंट खर्च करेगी, और उसका जो है इनकम का जो है उसका रिवेन्यू का सोर्स क्या क्या रहने वाला है, टैक्स से कितना रिवेन्यू जनरेट करेगी और अलग अलग सोर्सेज से कितना रिवेन्यू जनरेट करेगी। तो एक जब गवर्नमेंट बजट आता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट के अंदर, वो जो है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर मॉडल के बारे में वो बताती है, और वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मॉडल को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब सवाल यह है कि इस फिस्कल पॉलिसी की वजह से हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी इकोनॉमी में महंगाई हो रही है, तो आप इकोनॉमी में जो बहुत रिच क्लास के लोग हैं, आप उसको एक पल के लिए आप थोड़ा सा भूल जाइए, लेकिन इकोनॉमी के अंदर एक बहुत भारी भरकम आबादी ऐसी भी होती है जो कि पॉवर्टी लाइन पर काम कर रही है, जो किसी तरीके से अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पा रही है, जो किसी भी तरीके से अपने दो वक्त का अपने लिए खान पान का बंदोबस्त कर पा रही है। लेकिन अगर वही चीज अगर महंगी हो जाए, तो अब वो उसकी जो है लिमिट से उसके बाहर चला जाएगा। वो अब फिर क्या होगा, उसकी बाउंड्री क्रॉस कर, उसकी कैपेसिटी बाउंड्री को क्रॉस कर देगा, फिर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो अब वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन आ जाएगा। वो दो वक्त के जो अपने लिए किसी प्रकार से भोजन का बंदोबस्त कर पा रहा था, अब वो एक ही वक्त का कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन हो गया, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहा है। और देश में गरीबों का होना, गरीबी संख्याओं का बढ़ना, ये देश की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। ये देश की इकोनॉमी को जो है बैकवर्ड इकोनॉमी के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये आपके पास में रीजन है, दूसरा यह है कि इन्फ्लेशन होने से जीडीपी नेशनल इनकम में ग्रोथ का इंपैक्ट न्यूट्रल हो जाता है। मान लो अगर 5% इन्फ्लेशन आ गया और लोगों की आमदनी भी, मतलब कि नेशनल इनकम 5% बढ़ गई, तो उससे फायदा क्या हुआ। पिछले साल मैं 20,000 रुपये में अपना घर चला लिया करता था, अब 10% इन्फ्लेशन हो गया, तो मतलब ये हो गया कि आज मुझे घर चलाने के लिए 22,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, मेरी तनख्वाह भी, नेशनल इनकम भी बढ़ गया 10%, तो 22,000 रुपये मेरी इनकम भी हो गई। तो 22,000 रुपये आमदनी होने के बाद भी मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंज आएगा नहीं होगा, जैसे स्थिति में पहले में था वैसे स्थिति अब भी है, कहने की बात है नेशनल इनकम 10% बढ़ गया, तो नेशनल इनकम के ग्रोथ को भी ये जो है उसका इंपैक्ट को न्यूट्रल कर देती है। इसलिए कहते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। वो लास्ट क्लास हमने पढ़ा, हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसीज को किस तरीके से कंट्रोल करती है, मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर प्रोग्राम किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो जनरली इन्फ्लेशन का जो रूट है, इन्फ्लेशन की जो समस्या का जो जड़ है, वो जड़ कहां पर है, लोगों के पास है पैसे का होना, इकोनॉमी मनी सप्लाई का ज्यादा होना। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी में कुछ ऐसा करेगी जिससे कि लोगों के पॉकेट से पैसा निकले। वो क्या करेगी, वो टैक्स रेट को बढ़ा देगी। बेसिकली टैक्स को बढ़ा देने से क्या होगा, आप जानते हैं कि इनकम कभी भी किसी की जो होती है उसमें से उसको टैक्स पे करना पड़ता है, उसके बाद जो बचता है उसको घर लेके जा सकता है, और जो पैसा घर लेके जा सकता है आफ्टर टैक्स, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और जैसे ही आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट अपने जो है फिस्कल पॉलिसी में, बजट में अनाउंसमेंट कर सकती है कि भैया टैक्स रेट जो है बढ़ा दिया, तो जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा, लोगों के जो है डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी, तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड कंट्रोल होगा। मैं ये नहीं कह रहा डिमांड बंद हो जाएगा, बंद होना भी नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, तो डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लेगी।
गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कम करेगी, गवर्नमेंट जब लोगों को पैसा खर्च कर रही है, ट्रांसफर पेमेंट कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, इतना सारा पैसा दे रही है गवर्नमेंट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है इस चीज को, इस एक्सपेंसेस को अपने कंट्रोल कर लेगी, सब्सिडी देना बंद कर देगी। अब सिलेंडर जहां पहले 400 का आ रहा था, 400 बच रहे थे लोग, 400 किसी और चीजों पे खर्च हो रहे थे, अब सब्सिडी हटा दिया, 800 का तुम लो, तुम्हारी डिमांड तो कम होगी बाकी जगह से, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस कम करेगी, लाइक सब्सिडी को कम कर देगी, ट्रांसफर पेमेंट को कम कर देगी, इससे लोगों के पॉकेट से पैसे का लेवल कम हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, लोगों की डिमांड का लेवल कंट्रोल में आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है लोगों से उधार लेना शुरू कर देगी, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने लगेगी पब्लिक को, डिवेंचर बॉन्ड्स पे, जिससे कि पब्लिक गवर्नमेंट को उधार दे, पब्लिक के पास सरकार पे चला जाए और कुछ समय के लिए फिर आपका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। ये कुछ पॉलिसी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था, वो ऑलरेडी आपका हो चुका है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिसेशन के बारे में, व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, हाउ कैन, पहले फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या, ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है ना, वही सेम चिपकाना है। हाउ कैन गवर्नमेंट यूज दीज टूल्स टू कंट्रोल रिसेशन, आइए सबसे पहले आप रिसेशन के बारे में समझिए, क्लियर है? हाँ जी, अब बात किससे करते हैं, रिसेशन, क्लियर है? रिसेशन है ना, इन्फ्लेशन से भी डेंजरस सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन एक पल के लिए इकोनॉमी में आ जाए, बट इकोनॉमी में कभी भी रिसेशन नहीं होना चाहिए। कैसे, बात समझिएगा, बेसिकली रिसेशन क्या होता है, रिसेशन में जो प्राइस है ना वो फॉल होता है। आपको ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, हम तो फिर तो आपके मन में बात आ गई होगी यार, हम इंतजार करना चाहते हैं हमारा ये रिसेशन कब आएगा, चीजें सस्ती सस्ती हो जाएंगी, सस्ती चीजें खरीदेंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं बच्चे, इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए फिर भी एक तरीके से इकोनॉमी उसको सर्वाइव कर सकती है, लेकिन रिसेशन जो है बहुत डेंजरस होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये आप देख रहे हैं वस्तु कीमत लगातार गिरना, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब आप कहोगे सर आपने कह दिया, हमने मान लिया, कैसे होगा, जरा इस बात को भी तो समझाइए, वस्तु की कीमत कम होना किस तरीके से किसी इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है, आइए समझते हैं रिसेशन होता क्या है बच्चे। देखिए रिसेशन बेसिकली किस सिचुएशंस को कहते हैं हम, मेरी इकोनॉमी में एक तो हम करते हैं डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, और एक हम एग्रीगेट सप्लाई, मैं फिर भी चलिए डिमांड एंड सप्लाई लिख देता हूं, दो सिचुएशन है। जब भी आपकी डिमांड सप्लाई से क्या होगी, कम होगी, डिमांड सप्लाई से कम होने का मतलब कि जितना अवेलेबल है लोगों के लिए उससे लोग कम ही चीजों को उठा करके लेके जा पा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, लोगों की तो अनलिमिटेड वांट्स है, लोग तो चाहते हैं एक घर के बाद दूसरा घर भी हो जाए, दो घर, तीसरा घर भी हो जाए, बाइक के बाद दूसरी बाइक आ जाए, कार आ जाए, कार का 10 कारें आ जाए, लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं, उनके अनलिमिटेड वांट्स है, तो कैसे वो डिमांड को सप्लाई से कम रख सकते हैं बच्चे? जब लोगों के पॉकेट में, एग्जांपल लेता हूं मैं, जब आपको पता है लॉकडाउन हटा था, लॉकडाउन जब लगा वो तो छोड़ दो, जब लॉकडाउन हटा तो हमारे इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज तो अवेलेबल था, दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली, फैक्ट्री वालों ने अपनी फैक्ट्रियां खोली, क्लियर है? थोड़ा सा जो चीजें वो बननी लग रही थी, जो पहले बननी बंद हो गई थी, कपड़े की फैक्ट्रियां थी, अब वो कपड़े की फैक्ट्रियां भी खुल गई। जब लॉकडाउन खुला तो धीरे धीरे सब कुछ खुलने लग गया, और यहां पर देखो जितने भी फैक्ट्रियां में ताला लगा हुआ था, फैक्ट्रियां बंद थी, वो सारी फैक्ट्रियां खुलने लगी, कपड़े की फैक्ट्रियां खुलने लगी, जो और खान पीने की जो चीजें थी या अदर और जूते वगैरह की जो फैक्ट्रियां, बैल्ट वगैरह जो भी है, ये सारी फैक्ट्रियां धीरे धीरे खुलने लग गई, दुकान उकान सब खुलने लग गया, मार्केट में कपड़े की दुकान सब कुछ खुलने लग गया, तो अवेलेबिलिटी तो आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज तो इकोनॉमी के अंदर था। लेकिन जैसे लॉकडाउन हटा, क्या आप नेक्स्ट डे ऐसा रहा आपके साथ में, चलो चलते हैं यार आज लॉकडाउन हटाए मार्केट चलकर कुछ शॉपिंग करते हैं, कपड़े वपड़े खरीदते हैं, सिचुएशन थी आपकी? आपकी सिचुएशन ये तक नहीं थी कि आप अपने क्लासेस को ले सको, आप अपनी एजुकेशन तक को चला पाओ,
क्यों? क्योंकि घर में पापा कई दिनों से बैठे हुए थे, 2 ढाई 3 महीने से बैठे हुए थे, तो उनके पॉकेट में पैसा नहीं था। अदर टीचर, हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी बंद थी उस समय, तो हमारे पॉकेट में भी पैसा नहीं था। तो जब हमारे पास में पैसे की कमी थी, तो उस सिचुएशन में हम बाजार में क्या करने जाएं? हाँ, घूम करके चक्कर मार के जरूर आ सकते हैं, थोड़ी सी हवा पानी शरीर में लग जाए, लेकिन कुछ खाने, कुछ पीने, कुछ पहनने, कुछ ओढ़ने के लिए इतनी क्षमता तो थी नहीं हमारे पास में, आपके पास, आपके पिताजी के पास में, एक दो लोगों के पास में हो सकती है, बट जनरली जो आज के टाइम पे जो माहौल है, वो माहौल उस समय डेवलप नहीं हो पाया, मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अब बाजार में बेचारा दुकानदार ने दुकान तो खोल लिया और काम नहीं चल रहा उसका, भैया लोग आ नहीं रहे कपड़े लेने के लिए, फैक्ट्री वालों ने भी अपने फैक्ट्री कपड़े बनाए निकाले, फिर सारा माल सप्लाई करना है, यहाँ पर बेचारे वो भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे 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 आप देखेंगे इस चीज को। तो आपने देखा कि पूरे बाजार में एक जो है कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री का मालिक कह रहा है अपने मजदूरों से कि देखिए जो मैंने आप लोगों ने बनाया वो पहले से पड़ा हुआ है, आप लोग बैठे रहोगे, आपको तनख्वाह देने का भार मेरे ऊपर आएगा, तो आप जो है ले ऑफ हो जाइए, आप काम से भी चले जाइए, जब मुझे दोबारा रिक्वायरमेंट होगी बनाने की तब मैं आपको बुला लूंगा, अभी बीच में आप खाली बैठे रहेंगे तो आप तो बैठ जाओगे कि मैं तनख्वाह कहाँ से दूंगा आपकी, तो मैं आपकी तनख्वाह बेकार में देना पड़ेगा, तो आपको कुछ दिन के लिए छुट्टी कर दो। जहाँ 500 लोगों की फैक्ट्री में जरूरत होती थी, वहां 100 लोगों से काम करेंगे, 400 लोगों की छुट्टी दे दी। तो देश में धीरे धीरे क्या आने लग गया, धीरे धीरे आप देखते हैं इस सिचुएशंस में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है, जब भी डिमांड कम है बट सप्लाई ज्यादा है, क्लियर है? तो ये कब क्रिएट होता है, लैक ऑफ मनी, जब पैसा लोगों के पास में कम हो तो लोग क्या करेंगे, डिमांड को कम हो जाएगा बट सप्लाई अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लॉकडाउन की सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में जब डिमांड कम होगा तो क्या रहेगा, अनसोल्ड स्टॉक, क्लियर है भैया? जो फैक्ट्री का जो अनबिका माल बचा रहेगा वो माल बिका नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है। अब इस अनसोल्ड स्टॉक जब तक पूरा सोल्ड नहीं हो जाता तब तो आगे प्रोड्यूस करना बेकार है ना, तो ये बच जाएगा अनसोल्ड स्टॉक, और अनसोल्ड स्टॉक से क्या होगा, ले ऑफ होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इकोनॉमी में। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्लियर है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्लियर है? अब देखिए, देखिएगा, जाहिर सी बात है कि वो लोग काम से जो निकाल दिए गए हैं बेचारे, वो तो बेरोजगार हो गए। हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की समस्या यही थी कि लोगों जब पास में पैसा नहीं है। अब जो लोग बेरोजगार धीरे धीरे होने लग रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, अब क्या इनके जेब में पैसा आ गया, अब इकोनॉमी में लोगों के पास में पैसे की जो है लेवल है और कम हो जाएगी, क्लियर है? तो फिर से लैक ऑफ मनी, फिर से और जनरेट हो जाएगा, क्लियर है? लैक ऑफ मनी एक अब बड़े लेवल पे आने लग जाएगा, क्योंकि पहले प्रॉब्लम ही क्या थी हमारी, पहले प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पैसा नहीं है तो कुछ खरीदारी चल नहीं रही, अनसोल्ड स्टॉक है, भैया जब बिकी तब लाएंगे, चलो काम से निकालो, और ऐसा एक फैक्ट्री में नहीं होगा, पूरे अर्थव्यवस्था में सिलसिला हर जगह तरफ से चलना शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी फैलेगी, लैक ऑफ मनी फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ये सिचुएशन और बड़े मात्रा में हो जाएगा, इन ह्यूज लेवल, क्लियर है ना, इन लार्ज स्केल। अब इस बार लैक ऑफ मनी लार्जर स्केल हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर से आपके पास में, बात समझ रहे हैं आप, क्या होगा, लार्ज स्केल होगा, और फिर क्या होगा आपके पास में, अनएम्प्लॉयमेंट, एक कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिएगा ना, बड़ा आपका प्यार आएगा इस चीज पे। इससे क्या होगा, इससे आप जो है यहां पर लैक ऑफ मनी जनरेट होगा अनएम्प्लॉयमेंट से, और लैक ऑफ मनी से डिमांड फिर से कम होगी, फिर उसके बाद आपका अनसोल्ड स्टॉक बचेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो देख रहे हैं ये प्रोसेस क्या चलता आ रहा है, ये घूमता रहेगा, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और धीरे धीरे देश जो है बेरोजगार हो जाएगा। अब क्या होगा, फर्में अपनी चीज को बेचने के लिए, जो चीज 10 रुपए की थी वो मान लो 2 रुपए की होगी, खैर इतना सस्ता होता नहीं, फिर भी मैंने कर दिया आपके लिए, आप खुश हो जाएंगे,
2 रुपए की हो गई, मैं बेचारा बेरोजगार। अब 10 की चीज चाहे 2 रुपए की हो जाए, जब मेरे जेब में पैसा ही नहीं है तो मैं 2 रुपए की भी कहां से खरीद लूंगा, है ना। 1 रुपए की हो जाए मैं तब भी नहीं खरीद पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि मैं गुड्स एंड सर्विसेज के अभाव में इस गुड्स को मेरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, मैं बाय ही नहीं कर सकता हूँ। तो गुड्स एंड जो सर्विसेज है वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ स्टाइल कैसे हो जाएगी, तो मेरी लाइफ स्टाइल कैसे हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। क्लियर है। और लोगों का जो है कंफर्ट नहीं होगा, लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा लाइफ के अंदर, बेचारे पे गाड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, स्ट्रगल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इकोनॉमी क्या हुआ, बैकवर्ड हो गया ना। तो ये डेंजरस सिचुएशन है, ये सिचुएशन आप देख रहे हैं ना, ये खतरनाक सिचुएशन है, जहाँ पे प्राइस अगर कम भी हो जाएगा तो उसका लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, और इस सिचुएशन में ये भयंकर स्थिति है। तो सरकार यहाँ पर क्या करती है, सरकार इस रिसेशन से निकलने के लिए सर गवर्नमेंट क्या करेगी कि मालूम है इसका समस्या कहाँ है, लैक ऑफ मनी, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो सरकार लोगों की जेब में पैसा डालने की कोशिश करेगी जिससे कि डिमांड का लेवल बने। तो सरकार पैसा डालने के लिए क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टैक्स रेट को कम कर देगी, क्या करेगी, रिसेशन के लिए टैक्स को कम कर देगी। इससे क्या होगा, भैया जहां लाख रुपए पर 10% टैक्स ले रही थी, 10,000 रुपए टैक्स जा रहा था, खर्च करने के लिए 90,000 रुपए बच रहा था, अब सरकार वहां लाख रुपए पर 5% टैक्स कर देगी तो 95,000 खर्च करने के लिए बचेगा, मेरा पैसे की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा खर्च करने की स्ट्रेंथ लोगों के पास में आ जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को यहाँ पर रिड्यूस करेगी जिससे कि लोगों के पास में पैसा खर्च करने की जो है कैपेसिटी आ जाए, और लोग पैसा खर्च करना अगर शुरू करते हैं तो डिमांड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर फर्में फैक्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगे, फिर हायरिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो है जॉब मिलना, फायरिंग से हायरिंग की स्थिति में पहुंच जाएंगे, फिर जॉब मिलना शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से जिंदगी फिर पटरी पर आने लग जाएगी। क्लियर है भैया। ये दूसरा क्या करेगी सरकार, भैया एक्सपेंसेस बढ़ा देगी अपने, भैया फ्लाईओवर पुल बड़ाफड़ बनाना शुरू करेगी, लोगों काम दो नौकरी दो, पैसा पॉकेट में आएगा तो खर्च करने जाएंगे, और जब खर्च करेंगे तो फैक्ट्रियां उद्योग धंधे चलेंगे, और फिर वहां पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम जाएंगे। क्लियर है जी। हायरिंग चालू हो जाएगी, और एक्सपेंस सब्सिडी दो, सिलेंडर जहां 1,000 रुपए का है वहां पर इनको 400 का दो, 600 रुपए हम दे रहे हैं इनके बिहाफ पर, 600 कस्टमर के बच जाएंगे, लोग बच जाएंगे, ये 600 में किसी और चीज की डिमांड कर लेंगे, फैक्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएगी, ओल्ड एज पेंशन बढ़ा दो, स्कॉलरशिप दो, किसी तरीके से लोगों पॉकेट में पैसा डालो, बस डिमांड जनरेट एक बार हो जाए ना, फैक्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा, और एक बार एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा तो उनकी जेब में पैसा आ गया, फिर वो सिलसिला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरह चलता रहेगा, फिर वो खर्च करेंगे, फिर फैक्ट्रियां और एक की दो फैक्ट्री लगेंगी, अलग अलग तरह तरह की फैक्ट्री लगेंगी। बात समझे नहीं समझे। तो टैक्स कम, एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपेंसेस बढ़ा देगी सरकार। क्लियर है। कुछ इस तरीके की पॉलिसीज को गवर्नमेंट जो है वो लेकर करके आएगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये रिसेशन था, और रिसेशन से निपटने के ये कुछ मॉनिटरी पॉलिसी थे। आइए पढ़ते हैं जरा हम आपके मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ बड़े ध्यान से। क्या है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, हाउ कैन गवर्नमेंट यूज दिस टूल्स टू कंट्रोल द रिसेशन इन द इकोनॉमी, व्हाट आर द लिमिटेशन टू द यूज ऑफ द डिस्क्री। अभी लिमिटेशन के ऊपर मैं आऊंगा आपके पास में, इस पर मैं आऊंगा, अभी पहले यहां तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इज द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी, इट इज द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट्स इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशनल इकोनॉमी। गवर्नमेंट एडजस्ट करती है अपने टैक्स को बढ़ाती घटाती है, और अपने जो है एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करती है। फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी अंडर विच अ गवर्नमेंट यूज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू प्रोग्राम टू प्रोड्यूस डिजायरेबल इफेक्ट्स एंड अवॉइड दो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन द नेशनल इनकम, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इसके लिए हम इस पॉलिसी को लेकर के आते हैं। अब रिसेशन क्या होता है, इक्विटी एंड जस्टिस एटसेट्रा टू मेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन ऑर्डर टू द डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है। एक होता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशनरी गैप। गवर्नमेंट में अप फॉर द फॉलोइंग फिस्कल मेजरमेंट, टैक्स,
टैक्सेस इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी बाय द डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ द मनी गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड इन सर्टेन एरियाज एंड हाउ मच मनी इंडिविजुअल्स हैव टू स्पेंड. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड आउटपुट गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स, ठीक है ना, टू इंक्रीज द परचेसिंग पावर. टैक्स को तो रिड्यूस कर देगा गवर्नमेंट, रिड्यूस द टैक्स जिससे इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल. व्हेन द परचेसिंग पावर ऑफ द पब्लिक इज इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड गोज अप, बढ़ जाएगा. इट हेल्प्स टू डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द रिसेशन इन द इकोनॉमी. बात समझे एक्सपेंडिचर के बारे में क्या कहता है. स्पेंडिंग इज यूज टू द टूल्स फॉर द फिस्कल पॉलिसी ड्राइव द गवर्नमेंट मनी टू सर्टेन सेक्टर दैट रिक्वायर एन इकोनॉमी बूस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिसेशन. इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है इससे. गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग टू अ पुश द एग्रीगेट डिमांड बाय द गवर्नमेंट इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक. अब आपके पास में पब्लिक बोरोइंग, सरकार चाहेगी कि लोग ज्यादा मेरे पास में पैसा ना दे, हमें उधार ना दे, अपने पास में रखे खर्चा करें. बात समझे, उधार का पता ही यार, आपने 10,000 दोस्त को दे दिया, कल के दिन ले लोगे, और 10,000 जेब में रखा रहे तो क्या होगा उसका सुबह से शाम तक में, आप भी जानते हैं. सरकार चाहती है कि भैया हमें पैसा मत दो, तो सरकार बहुत लो रेट इंटरेस्ट पे करने लग जाती है. हमने यार हम इतने ब्याज देंगे आपको, लोग कहते हैं इतना ब्याज चलो हम नहीं रख रहे, तो उससे एक्सपेंस होगा इकोनॉमी में. तो ये कुछ टूल्स थे बेटा, पढ़ लेना. इन्फ्लेशन रिसेशन सवाल आएगा ही आएगा, ये ब्रह्मास्त्र है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. क्लियर है. अब आइए लिमिटेशन, आइए फॉलोइंग एरिया सर्टेन लिमिटेशन. अब हम बात किस पे करेंगे, बात हम करेंगे अब लिमिटेशंस के ऊपर, ठीक है. गवर्नमेंट के पास में रिसेशन में पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट कहीं से भी लेगी रिसेशन में पैसा? गवर्नमेंट के पास रिजर्व नहीं रहता, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट अपने पास पैसा रिजर्व नहीं रखती है? आरबीआई से गवर्नमेंट लोन नहीं ले सकती है बताइए, एक्सपेंस करने के लिए. अब पिछली जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्या लाखों करोड़ों रुपए का लोन कर्जा था नहीं सरकार के ऊपर? सरकार पे होता नहीं कर्जा, डेब्ट नहीं होता गवर्नमेंट पे, लाखों करोड़ का डेब्ट कहां से आया था? आरबीआई से ये पैसा लेती है, पर आरबीआई ऐसे नहीं प्यार मोहम्मद में पैसा दे देती है. आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आरबीआई को मालूम है कि ये पैसा जो है जो गुड्स सप्लाई के बिना है वो बड़ा हार्मफुल होता है इकोनॉमी के लिए. कहती है ले तो रहे फिर वापस भी कर देना, गवर्नमेंट कहती है ठीक है, तो एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार ले लेती है, उसको इकोनॉमी में पैसा डालती है. क्लियर है जी? हाँ जी. ये समझ में, लिमिटेशन एसोसिएटेड विद द डिक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, डिक्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी. हाँ जी, तो लिमिटेशन क्या फिस्कल पॉलिसी? बाहर से कुछ एक आवाज आ रही है, जरा देखते हैं क्या है, मुझे लग रहा है कि बरसात हो रही है. क्या मौसम हो रहा है दिल्ली का? शानदार, जबरदस्त, दिल बागवान हो गया. बाहर हवा है और आंधी है, बहुत जबरदस्त माहौल है, और कुछ मार्च के महीने में आ रहा है, लेकिन हमारे लिए है ना बेचारे किसान तो परेशान होंगे इससे. बोलिए किस चीज के लिए? बहुत जय सर, अभी आ भी नहीं पाएंगे, बारिश इस हिसाब से चल रही है. नहीं वेट कर लो आप, अभी तो मैं क्लास में हूँ, फिर भी कर पाऊंगा मैं. ऐसा बरसात आ गई यार, क्या बताऊं मैं आपको. मेरा जो मन है ना,
हर्ष से भर गया है। चलिए पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इंफॉर्मेशन लैग। लैग का मतलब क्या होता है? अंतराल। बेटा देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, पता कैसा लगता है इन्फ्लेशन आ गया? डेटा कलेक्ट होता है, इंडेक्स नंबर एनालाइज होता है, अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस एनालाइज करते हैं और इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट होता है। डेटा कलेक्ट करने में कितना टाइम लग जाता है आपको पता है, उसको कैलकुलेट करना, देन वो फिर इंफॉर्मेशन आता है कि भैया इन्फ्लेशन हो गया। तो इन्फ्लेशन जब कंट्री में होता है और जब सरकार के पास में वो इंफॉर्मेशन पहुंचता है, उसके बीच में गैप आ जाता है टाइम का। मैं बता रहा हूं लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मतलब फिस्कल पॉलिसी की क्या खामियां हैं इन्फ्लेशन और रिसेशन से लड़ने के लिए। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो या जब इकोनॉमी में रिसेशन हो, वो टाइम और जब गवर्नमेंट के पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंचता है, वो टाइम उसमें गैप हो जाता है। तो वो गैप होने की वजह से अब गवर्नमेंट पे को पता लगेगा, देन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में बिल पास होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास होगा, प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा, फिर इंप्लीमेंट के लिए जाएगा, इंप्लीमेंट में एक टाइम लगेगा। तो ये एक जब ये ग्राउंड लेवल पे उतरेगा तो पता लगेगा क्या इन्फ्लेशन आकर के फिर रिसेशन आने वाला है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि एक मरीज को अभी बीमारी हुई है, बेचारे को अभी दवाई दे दी, उसको बीमारी अभी हुई है, 6 महीने बाद उसको दवाइयां मिल रही है, तो वो दवाई फिर असर करना कम कर देती है। तो ये एक बड़ा गैप है कि इन्फ्लेशनरी इंफॉर्मेशन गैप। इट इज असेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू हैव द एडिक्यूट एंड द ऑथेंटिक डाटा दैट इज नीडेड टू ब्रिंग अदर नेसेसरी चेंजेस इन द स्पेंडिंग एंड द टैक्सेशन। कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, टेबुलेशन, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, क्लासिफाइड करना पड़ता है, उसको टेबल में डालना पड़ता है, एंड एनालाइज डाटा इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। द लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा कैन रिड्यूस द स्कोप ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। डाटा अगर रिलायबल नहीं हुआ तो भी तो फिस्कल पॉलिसी इंपैक्ट नहीं करेगा। फॉर्मुलेशन लैग, फॉर्मुलेशन लैग का मतलब ये होता है कि उसको इंप्लीमेंट करने में एक बड़ी समस्या आती है। देखिए, किसान प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ये बात तो आपकी सच है, लेकिन इकोनॉमी के पास में हमेशा सरप्लस रहता है। कि बाढ़ में, भूकंप में, अब कोरोना में बिठा के खिला दिया था ना, तो ये सब सिचुएशन रहता ही है। हाँ जी, इन्वॉल्व्ड इन अ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब है एग्जीक्यूशन लैग। एग्जीक्यूशन लैग क्या है? एग्जीक्यूशन लैग का मतलब ये होता है कि जब सरकार इसको एग्जीक्यूट करती है तो सरकार इस पे पॉलिसी तो बना लिया, सरकार ने पॉलिसी बनाने का दिए, लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इस पे साइन करेगा, फिर एक टाइम के बाद ये ग्राउंड लेवल पर ये इंप्लीमेंट होगा, फिर उस एक्सपेंस वगैरह का इंपैक्ट दिखेगा। तो एक लंबा ड्यूरेशन है, तो ये कुछ टाइम टेकिंग है, ये कुछ लैग्स है, कुछ समय अंतराल आता है जिसकी वजह से ये पॉलिसी इफेक्टिव तो रहती है बट उसका उतना इंपैक्ट नहीं रहता। ये इसकी क्या है, ये इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। भाई व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी, भैया कितनी बार पेपर में आया हुआ है ना, बार बार के आया हुआ है ये क्वेश्चन, और बार बार के मैंने बता भी दिया आपको। क्लियर है ये क्या हुआ? चलिए आज मैं आपको एक बात और बता देता हूं। कंटेंट आया नहीं भाई? सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वही है। पहला पॉइंट तो कि सरकार पे इंफॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगता है। सेकंड पॉइंट ये कि सरकार उस पर डिसीजन बनाएगी, वो उसमें एक टाइम लग जाता है। थर्ड पॉइंट है उसको जब वो एग्जीक्यूशन करती है, जब पार्लियामेंट लेके जाती है, पूरा बिल पास होने तक का एक टाइम टेकिंग है। तीन जगह टाइम लगते हैं, कहाँ? एक डाटा कलेक्ट करने में पहला, दूसरा उस पर डिसीजन लेने में, और तीसरा उसको एग्जीक्यूट करने में। बच्चे गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे, बस एक मिनट दीजिएगा, मैं बता देता हूँ फटाफट। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके। एक जो है क्लर्क की जॉब होती है आपकी, क्लियर है? गवर्नमेंट जॉब में आपकी जो है पोस्ट ऑफिस में होती है, पोस्टल असिस्टेंट की जॉब होती है। गवर्नमेंट जॉब में आपकी जो है ऑडिटर की जॉब होती है। गवर्नमेंट जॉब में आपकी जो है अकाउंटेंट ऑडिटर की जो है ऑफिसर की पोस्ट होती है। गवर्नमेंट जॉब में आपकी जो है अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका जो है अकाउंटेंट, अब बात रही कुछ इंस्पेक्टर की, तो जो इंस्पेक्टर होते हैं इसकी जॉब होती है,
जो कॉन्स्टेबल होते हैं इसकी जॉब होती है, जो क्राइम ब्रांच सीबीआई होती है इसकी जॉब होती है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है एजेंसी है इसमें इंस्पेक्टर की होती है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसमें इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की जॉब होती है, जो आपका जो है जीएसटी इंस्पेक्टर है, ठीक है, जीएसटी जो इंस्पेक्टर होते हैं इसकी जॉब होती है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं जो रेड वगैरह मारते हैं इसकी जॉब होती है, ये सब गवर्नमेंट जॉब की प्रोफाइल है। क्लियर है? डेस्क जॉब करने के लिए ये कुछ आपके जॉब्स मिलते हैं जो डेस्क जॉब होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, इसको वर्दी का जुनून है, वो जाइए वो इंस्पेक्टर वगैरह एक्साइज वगैरह जो कि समुद्र किनारे नाव वगैरह पे पकड़ते हैं, सामान निकालो सारा का सारा क्या है रेड मारते हैं भाई साहब लोग, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 करोड़ का माल पकड़ समुद्र से तो कोई 1000 रुपए का माल थोड़ी आता है, अमेरिका से आ रहा है 1000 रुपए का आएगा इतना पेट्रोल फूक करके जहाज में, 20-50 करोड़ का माल आता है, 50 करोड़ का माल आया एक्साइज इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, भैया ये माल तो आया है इसका दिखाओ जरा टैक्स वैक्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है भैया जरा दिखाओ टैक्स इंस्पेक्टर क्या भरा नहीं भरा, पता लगा अच्छा टैक्स भरा था आपने 10 किलो का, आज 100 किलो रहा है बाकी का सीज करेंगे। वो कहता भाई साहब 100 करोड़ का माल है इसको सीज काहे कर रहे हो, 2 करोड़ आप ले लो। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, बट जनरली इस तरह के सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बट इन हमारे देश का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ईमानदार है, वो ऐसा काम नहीं करता है, वो अपनी तनख्वाह तनख्वाह भी तो सही है 70-80 हज़ार तनख्वाह है। क्लियर है जी? ये जॉब होती है। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए आपको मैथ्स, इनके लिए आपको रीजनिंग, इसके लिए आपको इंग्लिश और इसके लिए आपको जीके, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो चारों में आपका सेम पेपर आता है, एक ही पेपर आता है, एक जैसा पेपर आता है, जैसा स्कोर वैसा पोस्ट आपको मिलेगा, जैसा स्कोर वैसा पोस्ट मिलेगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि आपके पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या है। क्लियर है जी? ये होता है। प्लस में कितनी वैकेंसी आ जाती है, अभी जो है इन सबकी 40,000 वैकेंसी है, इसकी अलग से वैकेंसी आती है 8-10 हज़ार के आसपास, मान लो इसकी अभी 40,000 वैकेंसी इन सब पोस्टों के मिला के 40,000 वैकेंसी अभी आई। अब प्लस में इन्हीं सेम सिलेबस से एक आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो जाता है, देखते हो जो टीटी टिकट चेक करने आता है, देखते हो जो काउंटर पे टिकट बनाते हैं, रेलवे के अंदर 1 लाख वैकेंसी के आसपास वैसे ही आ जाती है। तो ये कुछ हर साल का खेल है, हर साल का है, हर 3 महीने बाद कोई ना कोई पेपर होता है। ग्रेजुएशन में तो ये कि फेल हो गए तो अगले साल पेपर है, इसमें ऐसा नहीं होता है, अभी फेल हो गए 3 महीने फिर दूसरा पेपर है, कोई ना कोई सरकारी नौकरी पेपर चलता रहता है पूरा साल, तो कहीं ना कहीं पास हो गए तो भैया किस्मत चल गई। क्लियर है? ये है आपका सरकारी नौकरी के बारे में। हाँ जी, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं क्या, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। एसएससी और बैंक सेक्टर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बैंक में मैथ्स कंपेटिवली इजी हो जाती है, मैथ्स थोड़ी इजी हो जाती है, रीजनिंग थोड़ी टफ हो जाती है, इंग्लिश भी टफ होती है और जीके, पर सैलरी ज्यादा एसएससी में कंपेटिबली टू बैंक, और एसएससी में पावर होती है, समझे? बैंक में पावर ओवर कुछ नहीं होती है, एक कस्टमर भी आके चमका के चला जाएगा आपको। एसएससी बेस्ट है मेरे भाई, एसएससी बेस्ट है, बैंक में तो एक कस्टमर आएगा वही 4 बार सुना के चला जाएगा आपको। पावर चाहिए, पैसा चाहिए भैया एसएससी, वर्कलोड कम चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए एसएससी। अभी आरबीआई कौन चला गया ये सब तो बाद की बात है यार, तुम ऐसे क्लियर है? ये आरबीआई वगैरह सबकी वैकेंसी आती है मेरे दोस्त। अब देखिए कंटेंट मेरा है खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास एक क्लास होगी जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल्स को पढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स रेट से किस तरीके से हमारा जो है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन होगा, टैक्स बढ़ रहे से और कम होने से इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये और न्यूमेरिकल अगली क्लास होगी, कल की क्लास होगी, कल हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। और टॉपिक को फिनिश करने के बाद चांसेस है बस सिर्फ हमारे पास 2 यूनिट रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा, और पूरा महीना बचेगा और 2 यूनिट को हमें करना पड़ेगा, खत्म कहानी। क्लियर है? कह रहे हैं एसएससी या एंड यूपीएससी, मेरे भाई अब तो आप ग्रेजुएट होने वाले हो, 6th सेमेस्टर में हो, क्लियर है ना? तो अब तो वैसे भी एसएससी भी बड़ी मुश्किल से ही होगी, ये जो 3 साल बर्बाद किए ना आप लोगों ने, जो करना था इन 3 साल में करना था, सच्चाई है।
आप क्या है नहीं, शिक्षा धाम SSC, सुबह डेली फ्री में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैं, शिक्षा धाम गवर्नमेंट जॉब देखिएगा आप, शिक्षा धाम यूट्यूब पे जाओ खोलो चैनल हमारे कुछ आ जाएंगे, उसमें गवर्नमेंट जॉब का चैनल है, डेली उसमें पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ देखो जरा जा करके, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।